देख सकते हैं ये कंप्लीटली वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं और आप चाहते हैं इंस्टॉल करना तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपके सिस्टम पे ये पैराडॉक्स इंस्टॉल हो चुका है, इसमें सारा फंक्शन आपका आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान। फ्रेंड्स आज आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप अपने विंडोज कंप्यूटर पे पैराडॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि काफी सिंपल स्टेप होगा। यहाँ पे मैं दो सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा। सबसे पहला होगा कि आपका वर्चुअल मशीन होना चाहिए और दूसरा होगा उसका ISO फाइल। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे आप वर्चुअल बॉक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ISO फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा नाम सैफ और आप देख रहे हैं हैकर ज्ञान। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे अच्छे हैकिंग वीडियोस आप तक लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने को यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स सर्च कर देना है। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड तो फर्स्ट में आ गया है ओरेकल की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है विंडोज होस्ट, इस पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो चुका है। इसको यहाँ पे सिंगल क्लिक किए ये अब ऑटोमेटिक रन होगा। यहाँ पे मेरे को परमिशन दे देना है यस, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जो भी है यहाँ पे रहने देना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो ये हो चुका है इंस्टॉल। तो मेरे को यहाँ पे अभी रन नहीं करना है, इसको फिनिश पे ऑनली क्लिक करना है। और फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे पैराडॉक्स को डाउनलोड करेंगे और कौन सा करना है। तो मैं वर्चुअल बॉक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अब सिंपली पैराडॉक्स को डाउनलोड करते हैं। पैराडॉक्स डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर देना है सर्च करके, और यहाँ पे आपको बहुत सारा इसका एडिशन मिलता है। तो मेरे को होम एडिशन करना है क्योंकि सबसे छोटा यही है, 2.3 GB का है। और सिक्योरिटी एडिशन ये 4. के आसपास है, 4.5 GB का है। तो सिंपली होम एडिशन पे आना है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ से भी कैंसिल कर दूंगा। आपको कम्प्लीटली इसको डाउनलोड कर लेना है और मेरा वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये मेरा पहले से इसमें सिस्टम में क्रिएट किया हुआ था मशीन, तो ऑटोमेटिक उसको ले लिया है, तो मैं इसको अभी रिमूव कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू का ऑप्शन है, सिंपली इसको न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैराडॉक्स को यहाँ पे डाल देना है। पैराडॉक्स टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको लिनक्स पे क्लिक कर देना है। लिनक्स पे ये ओरेकल 64-bit आ चुका है और बाय डिफॉल्ट सब चीज रहने देना है। इसको नेक्स्ट कर देना है। रैम को मैं कर देता हूँ 4 GB कर देता हूँ। 4 GB में कोई इश्यू नहीं होगा, मेरे पास 12 है तो 12 GB है तो कर दिया। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क, ठीक है तो हार्ड डिस्क यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही होगा, सारा चीज डायनेमिक रहेगा। इंक्रीज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एटलीस्ट 20 कीजिएगा, तो यहाँ पे 21 पे कर देते हैं इसको क्रिएट। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब मेरे को कुछ सेटिंग करना होगा और ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद शेयर्ड क्लिपबोर्ड को ब्रीड नेशन कर देना है और ड्रैगन ड्रॉप को भी ब्रीड नेशन कर देना है। इसके बाद आपको सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद प्रोसेसर को एटलीस्ट 90% आपको कर देना है। अगर आपका 4 है तो 3 कर दीजिए और अगर 8 है तो 7 कर दीजिए। उसके बाद आपको डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, डिस्प्ले मेमोरी सॉरी वीडियो मेमोरी इसको भी इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली स्टोरेज पे आना है। स्टोरेज में आपको ये MPT दिखेगा, इस पर क्लिक करना है सिंगल क्लिक और फिर यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। यहाँ से सिंगल क्लिक करना है, आपको चूज करना है फाइल को, मतलब ISO फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए सिंपली आप डाउनलोड वाले में आके कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं पैरोट होम आ चुका है 5.0.1, तो इसको मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद मेरे को यहाँ से आप इसको ओके करके क्लोज कर देना है। क्लोज कर दिया, मेरे को अब यहाँ से नॉर्मल स्टार्ट फिर से करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक एरो करके है, उससे आप तीन तरह का स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल इंस्टॉल करना तो सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। और जब ये स्टार्ट हो रहा हो तो आप चाहे तो इस बैकग्राउंड वाले को आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ट्राई इंस्टॉल पे ही इंटर कर देना है।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आपका पैरोटोएस आ चुका है, यहाँ पे आपको सारा फंक्शन इनेबल हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। देख सकते हैं ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं और आप चाहते हैं इंस्टॉल करना तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो मैंने कोलकाता सेलेक्ट कर लिया, इसको बाय डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश ज़्यादा सही होगा। और यहाँ से आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। सिस्टम नेमिंग कर लेना है, विदाउट नेम भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे टिक लग चुका है। और यहाँ से आप लास्ट ऑप्शन है इंस्टॉल पे क्लिक करने का, तो आपको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, परमिशन दे देना है इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप है। सबसे पहले आपका वेलकम का स्टेप होता है, उसके बाद लोकेशन, फिर कीबोर्ड सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका पार्टीशन होता है, फिर यूज़र होता है, फिर समरी होता है, फिर इंस्टॉल होता है और ये फिनिश होता है। तो ये जो सारा स्टेप था ये काफ़ी कम टाइम लेता है, क्लिक ही सिर्फ करना होता है और कुछ भी नहीं होता है, बस आपका जो लास्ट स्टेप होता है इंस्टॉल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिंपली मेरे को अब ये रिस्टार्ट कर देना है, यहाँ पे आप नीचे में आपको ऑप्शन दिख जाएगा आपको कैसे मतलब कि क्लिक करना, सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब मेरे को फिर से वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपके सिस्टम पे ये पैरोटोएस इंस्टॉल हो चुका है, इसमें सारा फंक्शन आपका आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे से वीडियो आप तक लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।